नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। विकास खंड मंझौली अंतर्गत गोपत नदी में संचालित रेत खदान निधिपुरी में व्याप्त अनियमितता को लेकर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा कलेक्टर के नाम तहसीलदार को पत्र सौंपा गया है कि गोपत नदी रेत खदान निधिपुरी में आगामी 11 दिसंबर रविवार को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन का कारण रेत उत्खनन एवं लोडिंग मशीनों से बंद करवाकर मजदूरों के द्वारा करवाया जाएगा। वहीं सैनिक फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मनमानी तरीके से हैवी मशीनों से रेत उत्खनन का कार्य करवाया जा रहा है। वहीं जल प्रभावित नदियों से किया जा रहा है, जिसमें नदियों में पानी के अंदर रह रहे जल जीव हजारों हजार की संख्या में मृत हो रहे हैं। साथ ही नदियों का स्वरूप भी नष्ट हो रहा है और 5 मीटर की अधिक गहराई में नदियों में गड्ढे किए जा रहे हैं, जिससे कई जनहानि भी हो चुकी है और स्थानीय निवासी जो मजदूरी पेशे का कार्य करते हैं उनके रोजगार का अवसर भी छीना जा रहा है, जिस कारण जनमानस में काफ़ी असंतोष और पीड़ा है। संचालित रेत खदान से मशीनों को खनन रोकने को तत्काल आदेश प्रसारित हो और स्थानीय मजदूरों से रेत लोडिंग का कार्य कराया जाए, जिससे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मशीनों से उत्खनन का कार्य रुकवाने को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंझौली मड़वास कुसमी के पदाधिकारी सहित स्थानीय मजदूरों के साथ धरना प्रदर्शन कर मशीनों से उत्खनन को रोक लगाए जाने एवं अन्य कई मांगों को लेकर रविवार 11 दिसंबर सुबह 11 बजे से किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा क्षेत्रीय जनों से अपील की गई है कि धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपना विशेष सहयोग प्रदान करें।